Hello everybody, how are you all? Welcome to Unacademy Studios Prabhav. This is Chanchal Kumar Sharma और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके काम की चीज़। जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ 50 most important articles of the constitution। जी हाँ, 50 वो अनुच्छेद भारत के संविधान के जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या कई बार स्टूडेंट्स को ये शिकायत रहती है या कई बार स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, ये समस्या रहती है कि इतने सारे अनुच्छेद हैं, हम इन आर्टिकल्स को कैसे याद रखें, कैसे हम इन्हें करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बाकी के आर्टिकल्स याद हो ना हो, लेकिन ये 50 आर्टिकल्स जो मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको, ये आपको याद होने चाहिए। ये आपको इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट ना भी पूछे जाएँ तो भी इन आर्टिकल्स का यूज़ बहुत जगह आपको करना है और बहुत ये आपके काम आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बारे में, आई एम चंचल कुमार शर्मा। 5 साल से मैं UPSC और MPPSC के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने MA किया हुआ है, इसी के साथ UPSC और स्टेट सर्विस का इंटरव्यू दिया हुआ है, और मैं उज्जैन में एक वेल नोन अकेडमी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। फिर प्लस अकेडमी, प्लस प्लेटफॉर्म, अनअकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मिलती है यदि आप ये प्लस प्लेटफॉर्म लेते हैं अनअकेडमी का, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा है ये टेस्ट सीरीज एक बहुत डायनामिक टेस्ट सीरीज जो पूरे साल भर आपके साथ चलती है, और इस टेस्ट सीरीज से आप अपनी तैयारी का जो इवैल्यूएशन, जो आप अपनी स्टडी कर रहे हो उसका मूल्यांकन बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हो, और प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ होती है। इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ मैं आपको देता हूँ, एक बहुत और अच्छी काम की बात आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक GS का बेच कोर्स लॉन्च किया जा रहा है UPSC मेंस 2019 के लिए, 2019 के लिए। उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एथिक्स यहाँ पर हम लोग इसमें लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो कि संतोष शर्मा सर आपको पढ़ा रहे हैं, सुनील सिंह आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, और मैं भी आपको यहाँ पर मिलूंगा। और आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स आपको संतोष सर पढ़ाएंगे, और सुनील सर आपको एथिक्स पढ़ाते हैं। ये पूरा कोर्स हिंदी में आपको, हिंदी में, चूँकि हिंदी माध्यम के छात्रों को, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है इस चीज़ के लिए, UPSC के मटेरियल के लिए, तो आपको हिंदी में पूरा ये कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ये कोर्स 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 2 अक्टूबर तक 70 इसमें लेसन होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करिए आप। आपको यहाँ से हिंदी में पढ़ाया जाएगा, लेकिन नोट्स आपको इंग्लिश में यहाँ से अवेलेबल कराए जाएंगे। इसी के साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के और भी बहुत फ़ायदे हैं। टॉप 70 के आसपास एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। आपको ये पूरा पैकेज 1 साल के लिए यदि लेना है तो 35,000 उसकी फ़ी रखी है, बहुत ही कम आपको यहाँ पर पे करना होता है अमाउंट। और इसमें भी अगर आप ये वाला रेफरल कोड CKLIVE का अगर आप यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, और 31,500 में आपको पूरा के पूरा पैकेज मिल जाता है। इसके बाद आप देखिए, 2 साल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 56,000 आपको पे करना होते हैं, और ये रेफरल कोड आपको फिर से 10% का डिस्काउंट दिला सकता है, जो है CKLIVE, और आपको पे करना होगा 50,450,400। ये 2 साल के लिए आपको पे करना होता है। तो आज का हमारा जो था, जो मेन जो हम बात करने वाले थे, हमारा टॉपिक वो है 50 जो महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद हैं, उनके बारे में देखेंगे। एक करके आप नोट करते जाइए मेरे साथ साथ कि कौन से आर्टिकल है जो बहुत, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले आर्टिकल 1, जी हाँ, अनुच्छेद 1, इसमें क्या है, इसमें संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको बताया गया है कि हमारे देश का नाम क्या है और इसकी प्रकृति कैसी है। दूसरा आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सॉरी अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में जिसमें वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की शक्ति है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, हमारे जो स्थापित राज्य हैं, उनमें राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये शक्ति संसद को है। तो ये आपका अनुच्छेद 3। देन अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 12 आपको यहाँ पे फिर करना है, आर्टिकल 12 और अनुच्छेद 12, जिसमें क्या है, राज्य की परिभाषा, जी हाँ, स्टेट डेफिनेशन, की राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, क्योंकि आप मौलिक अधिकार वाले भाग में आप पढ़ते हो राज्य, बार बार आप ये शब्द आपके सामने आता है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। ये जो राज्य है इसकी परिभाषा कहाँ है, आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 13, जी हाँ, अनुच्छेद 13, इसमें मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली जो विधियाँ हैं, ऐसा कोई कानून जो मूल अधिकारों को कम करता हो, उनका हनन करता हो, वायोलेशन करता हो, तो
तो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 1, 3, 12 और 13 ये हमारे चार आर्टिकल, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हमारे, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 जो कि भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है, जी हाँ, रूल ऑफ लॉ की स्थापना भारत में करता है। इसमें विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है, तो ये अनुच्छेद 14 बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 16 जिसमें कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में लोक नियोजन में अपॉर्चुनिटी की जो बात की गई, अवसर की इक्वालिटी की बात की गई है, तो लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17 जिसमें कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ये भारत के सामाजिक ढांचे के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार संसद ने कानून भी बनाया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, तो ये अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन 19, ये अनुच्छेद 19 आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये जो अधिकार है, इसमें 6 प्रकार की, घूमने का, बात करने का, बोलने का, निवास करने का, कारोबार करने का, ये आपको इसमें मिलेगा। तो ये हो गए हमारे 4 और आर्टिकल, कौन कौन से, 14, 16, 17 और 19, 8 आर्टिकल हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला है अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में 3 प्रकार के संरक्षण किसी व्यक्ति को देता है, अनुच्छेद 20। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर आपातकाल के जो प्रावधान है, इमरजेंसी के जो प्रावधान है, उसके तहत आपको पता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब कि आपातकाल के प्रावधानों में ये बात बताई गई है, इस बात की चर्चा की गई है कि भारत के संविधान के सारे अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, लेकिन 20 और 21 को किसी भी अवधि में निलंबित नहीं किया जा सकता। 21 आपका पता ही है आपको, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बड़ा महत्वपूर्न है। अभी इसमें बहुत सारे अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने और जोड़ दिया है, तो अनुच्छेद 21 बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 21 का को कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम का, 2002, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। फिर इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी सरकार द्वारा 2009 में पास किया गया, राइट टू एजुकेशन। देन अनुच्छेद 25 ये अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता की बात करता है। जी हाँ, आपको पता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष सेक्युलर स्टेट है, और आप अनुच्छेद 25 से 28 में ये देख सकते हो कि भारत किस प्रकार से एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। वाकई में हमने अपने आप को ये साबित ही नहीं किया, हमने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में भी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार डाले हैं। तो अनुच्छेद 20, 21, 21 का और 25 ये आपका अगले महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हो गए। इसके बाद हमारे अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को, जिसको संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती, तो अनुच्छेद 32 के बाद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन या ग्राम पंचायतों की स्थापना की अपेक्षा राज्य से की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद है। और आपको पता है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना भी की गई है। अनुच्छेद 40 के बाद UCC जो आए दिन चर्चा में रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी हाँ, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अभी आपने ट्रिपल तलाक वाला बिल देखा, तो यूसीसी कहीं ना कहीं इससे जुड़ जाता है। फिर आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 जिसमें कि राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करेगा। जब बात आती है भारत के संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को दी गई स्वतंत्रता की, तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पर आप पता होना चाहिए अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। फिर आर्टिकल 51 सरकार से अपेक्षा की गई है कि वो जो हमारा देश है और जो हमारी सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में क्या करेगा, अभिवृद्धि मतलब बढ़ाने के प्रयास करेगा। आर्टिकल 51 ए जो कि कब जुड़ा, 1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, इसके द्वारा हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे जो अभी कितने हो गए, 11। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, जी हाँ, जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा, परिहार,
लघुकरण, प्रविलंबन और विराम जो है दे सकते हैं। फिर आर्टिकल 74 जिसमें कि भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद या संसदीय प्रणाली की आप बात कर रहे, भारत में आपको दिखाई देता है कि जो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद है उसकी संरचना अनुच्छेद 74 से होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 51, 51A, 72, 74। इसके बाद अनुच्छेद 78 जिसमें कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री को कर्तव्य है। ये भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो कि एक वास्तविक कार्यपालिका है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, दोनों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, जिसमें कि 6 विषय हैं जिनसे संबंधित कोई विधेयक क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 112 जिसमें क्या मिलता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, इसमें आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जो है हमारे संविधान में आपको पता है कि बजट शब्द का प्रयोग इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसकी जगह कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112। फिर अनुच्छेद 123 जिसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जी हाँ, आर्टिकल 123 जो भारत के राष्ट्रपति को संसद के सत्र में न होने पर ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो 78, 110, 112, 123। इसके बाद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इसको कहा जाता है। 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति विधि संबंधी मामले पर परामर्श ले सकते हैं। 155 इसमें क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 161 इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। 72 में राष्ट्रपति की है, 161 में राज्यपाल की है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि केंद्र राज्य के अनुच्छेदों में 89 का फॉर्मूला काफ़ी चलता है। अभी आप देखें 72 में राष्ट्रपति और 89 जोड़े तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ यहाँ पर आ जाएगी। फिर अनुच्छेद 161 जिसमें राज्य के मंत्रिमंडल की बात की गई है। इस प्रकार से संघ का मंत्रिमंडल है, वैसे राज्य की भी मंत्रिपरिषद है, उसकी बात कहाँ की गई है, उसकी बात अनुच्छेद 161 में की गई है। 167 राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्व, अभी हमने 78 देखा था, वैसा का वैसा प्लस 89 करिए और राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्व आ जाएंगे, वहां प्रधानमंत्री के दायित्व थे राष्ट्रपति के संबंध में। 167, 169 राज्यों में जो कि हमारा उच्च सदन है, कौन सा, विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका सृजन या उत्सादन मतलब बनाना या समाप्त करने से संबंधित है, कौन सा, आर्टिकल 169, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखें अनुच्छेद 213, जी हाँ, आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति है। जैसे कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को है, वैसे ही राज्य के संबंध में राज्यपाल को भी यहाँ पर शक्ति है। किस चीज़ की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की। फिर अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों के रिट जारी करने की शक्ति, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 से रिट जारी करने की शक्ति है, वैसे ही हाई कोर्ट्स को भी है, किससे, 226 से 167, 169, 213, 226 ये हो गए। इसके बाद 239AA 239 क्या है, दिल्ली के संबंध में हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, हमारी जो राजधानी है, जो NCR है, जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है, उसके बारे में 239 क बारे में विशेष उपबंध है, किसमें, 239 क में। फिर 249 अनुच्छेद 249 बहुत महत्वपूर्ण है, ये राज्यसभा के विशेष अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। अनुच्छेद 262 फिर एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी विवादों के लिए जो न्यायाधिकरण है, जो न्याय निर्णय है, वो किस प्रकार से होगा, ट्रिब्यूनल की बात की गई है। 262, 263 एक और बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का न लगाया जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिना विधि के अनुमति के प्राधिकार के कोई भी कर आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 275 राज्यों को संघ से अनुदान की बात करता है, हमारे जो हमारी केंद्र सरकार है उसको राज्यों को विभिन्न प्रकार की, एक तो वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है पैसा, उसके अलावा अनुदान के रूप में भी दिया जाता है, ग्रांट वो 275 से दी जाती है। 275, 280 बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र राज्य संबंध में आप इसका उपयोग कर सकते हो।
280 भारत में राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो हर 5 साल के बाद एक फाइनेंशियल कमीशन वित्त आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। वो 280 में वित्त आयोग, 300 का जो हमारा संपत्ति का अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 में, उसको हटा के जब मौलिक अधिकार से एक सामान्य अधिकार बनाया, वो 300 क में है। संपत्ति का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 300 क में। तो हो गया 265, 275, 280 और 300A। फिर 312 लोक सेवाएं, जी हाँ, अखिल भारतीय सेवाएं आपको मिलेगी। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात 312 में, राज्यसभा और भी कोई अखिल भारतीय सेवा बनाना चाहे तो इस अनुच्छेद के द्वारा बना सकती है। 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, हमारे लिए स्टेट पीएससी राज्यों के लिए और पूरे कंट्री के लिए, देश के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, दोस्त 315। 323 का प्रशासनिक अधिकरण, ट्रिब्यूनल जो है प्रशासनिक अधिकरण वो किसमें? अनुच्छेद 323 का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये 324 में बहुत इंपॉर्टेंट है। 312, 315, 323 का और 324। फिर 330 SC अनुसूचित जनजाति और ST अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण। आपको पता है कि भारत में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है, वो अनुच्छेद 330 में है। 352 में बहुत महत्वपूर्ण है, 352, 56 और 360 भारत के संविधान का भाग 18, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपातकाल को घोषणा करने की शक्ति है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 स्टेट मतलब राज्यों में इमरजेंसी की बात करता है और 360 वो वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो 330, 352, 356 और 360 ये हो गए। और अंतिम दो अनुच्छेद हमारे, अनुच्छेद 368, 368 जो कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है किसको? संसद को। हमारे संसद को ये शक्ति है कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत दी गई शक्ति के द्वारा वो भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। और आपको पता है अभी तक 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हमारे संविधान में किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 368 है। फिर अनुच्छेद 370, ये तो आपको पता ही है, आए दिन चर्चा में रहता है, जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में अस्थायी उपबंध है। 370 के साथ जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये थे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मैं आपको फिर एक बार रिपीट बता देता हूँ ताकि आपका कोई छूट गया हो तो आप लिख सकते हो। कौन कौन से आर्टिकल हैं? देखो, सबसे पहले आर्टिकल 1, 1, 3, 12, 13, 1, 3, 12, 13, ये चार महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके बाद अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, 17 और 19। इसके बाद अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 21 का और अनुच्छेद 25, देन 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, 44 और 50, अनुच्छेद 50, 51, 51 का, 72, 74, उसके बाद 78, 78, 110, 110, 112, 112, 123, 123, 143, 143, 155, 155, 161, 161, 167, 167, 169, 169, 213, 213, 213 और 226, 239 का 239 का 249, 262, 263, 265, 275, 280, 300A और 312, 315, 323 का, 324, 330, 352, 356, 360, 368 और 370। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये हमारे संविधान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।